किचन में आपका वेलकम करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं वाटरमेलन जूस, जो बहुत ही टेस्टी होता है और गर्मी के सीज़न में इसे हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गर्मी का मौसम है, गर्मी में लोग तरबूज खाना बहुत पसंद करते हैं। तरबूज में आयरन, कैल्शियम और बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। आज हम तरबूज का जूस बनाएंगे, जो बहुत ही टेस्टी होता है। इसे बनाने के लिए हमने आधा तरबूज लिया है, इसके हम छोटे छोटे पीसेज कर देंगे इस तरह से। अब हम इसके छिलके निकालेंगे। और इसके हम व्हाइट पार्ट पूरा निकाल देंगे। इसके हम बीज निकाल देंगे। इसी तरह से हम सारे छिलके निकाल देंगे। अब हमने इसके सारे छिलके निकाल दिए हैं। अब हम इसके छोटे छोटे पीसेज में काट लेंगे इस तरह से। और इसके हम सारे बीज निकाल देंगे। गर्मी में से हम बहुत तरह से यूज करते हैं, ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। अब हमने सारे वाटरमेलन के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे, इसमें हम तरबूज डालेंगे। हमने आधा बाउल फ्रेश पुदीना लिया है, हम इसमें डालेंगे। और ये हमने दो चम्मच शक्कर लिया है, हम इसे डाल देंगे। अगर तरबूज ज़्यादा मीठा है तो बिना शक्कर के भी बना सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब इसे हम बंद करके ग्राइंड कर लेंगे। हमने तरबूज को ग्राइंड कर लिया है और ये हमारा अच्छे से पीस गया है। अब हम इसको छानेंगे। एक जग में हम छन्नी रख लेंगे और इसे हम छान लेंगे। जूस को ये हमारा अच्छे से छन गया है। अब हम इसमें आधा बाउल पानी डाल देंगे और इसे भी हम छान लेंगे। अब हम इसमें एक नींबू का रस निचोड़ देंगे। अब हम इसमें एक चम्मच भुना हुआ जीरा डालेंगे। जीरा को भून के हमने पाउडर बना लिया है। हम इसमें आधा चम्मच काला नमक डालेंगे। काला नमक डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और इसे मिक्स कर देंगे। अभी हमारा सर्व करने के लिए तैयार है। अब हमने दो गिलास लिया है, इसमें हम शरबत डालेंगे। हमने इसमें ठंडा पानी यूज किया है, अगर और ठंडा करना चाहते हैं आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। हम इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा गार्निशिंग के लिए डाल देंगे। और हम इसमें कुछ पुदीने की पत्तियां डाल देंगे गार्निशिंग के लिए।
अभी हमारा तरबूज का शरबत बनके तैयार हो गया है, अब आप इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आप और ठंडा करना चाहते तो इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। अब गर्मी के सीज़न में आप वाटरमेलन जूस आप भी पीजिए और दूसरों को भी लाइए, और अपना अनुभव कमेंट करके हमारे साथ शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।